अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज अजान समी खान। आप देख रहे हैं मुझे बेहतरीन.pk पे। लॉक कर दीजिए, ये लोग कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड इन लोगों ने दरवाजा लॉक किया है। मेरे साथ जो भी होगा आप सबके सामने होगा भी। चले जी शुरू करते हैं। देखिए, मैं इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता हूँ कि मैं जिस घर में पैदा हुआ वो मेरे वालिदैन हैं, उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उनकी इज़्ज़त करता हूँ। बिल्कुल कुछ चीज़ें आसानी से मिली, जिन लोगों से कुछ लोग बड़ी मेहनत से मिलना चाहते हैं उनके सामने मैं पला बढ़ा हूँ और इस बात का एहसास मुझे है। लेकिन इस बात के साथ साथ ये भी एहसास है कि जब आपको वो चीज़ कुछ चीज़ें कंपैरेटिवली आसानी से मिलती हैं तो आपको उतनी ही जल्दी अपने आप को प्रूव करना पड़ता है और हर मरहले पर प्रूव करना पड़ता है कि आप जिस जगह बैठे हैं क्या आप उसके हकदार हैं कि नहीं। और मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है। मैं अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं रोज़ उठ के सोचता हूँ, वो ये नहीं है कि जी ये प्रेशर वो प्रेशर, उनका बेटा हूँ तो उन जैसा हूँ कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ चीज़ों के बारे में। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि मेरी जगह कोई और आ सकता है और बहुत लोग हैं जो मुझसे बहुत टैलेंटेड हैं और अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं अपने तौर पर अपनी हैसियत से जितना अच्छा कर सकता हूँ वो करूँ। मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ जो चाहे इंडिया में हो चाहे वेस्ट में हो, जो भी किसी एक्टर के या म्यूजिशियन के बेटे हैं बेटी हैं और उन्होंने क्या किया है, कुछ ने सही किया कुछ ने गलत किया, और एक जो चीज़ साफ साफ नज़र आती है सब में वो ये है कि आप अपनी मेहनत, आप उस मकाम को किस तरह प्रूव करते हैं कि हाँ मैं इसका हकदार हूँ और मेरी जिद्दोजहद इसी में रही है। आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल जिन्होंने दोनों मुल्कों में काफ़ी ज़िंदगी गुजारी, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। मेरे वालिद ने जो भी उनकी चॉइसेस हैं मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, उनसे बहुत प्यार करता हूँ और एंड आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन, इट्स हिज डिसीजन। मेरे पास चॉइस थी कि क्या मैं इंडिया में अपना करियर शुरू करूँ या यहाँ शुरू करूँ। पाकिस्तान मेरा घर है, आई हैव ग्रोन अप हियर, आई लिव हियर। मैं एक बहुत ही पेट्रियाटिक औरत का बेटा एंड बोथ माई ग्रैंड फादर्स आर वेरी पेट्रियाटिक मैन, दिव सर्व पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द लाइफ एंड सो एम आई। दिस इज़ माई कंट्री। ये जो इंडस्ट्री है मैं इसमें लिटरली कोई ऐसा स्टूडियो नहीं होगा जिसमें मैं 4-6 साल की उम्र में सोया हुआ पड़ा हुआ ना हूँ कहीं, या कोई फिल्म सेट नहीं होगा। आज जब मैं शूट पे जाता हूँ और मैं टेक्नीशियन से मिलता हूँ तो अगर वो नहीं तो उनके जो वालिदैन थे, उनके वालिद जो थे, उन्होंने किसी ना किसी पॉइंट पे मुझे एज अ किड, बच्चे एज अ चाइल्ड देखा है बड़े होते हुए, तो मेरे लिए बहुत अपना घर, अपने घर वाली बात है। मैं आप लोगों से मिलता हूँ और मुझे महसूस होता है कि मैं, आप लोगों ने किसी ना किसी पॉइंट में मुझे देखा होगा, कोई एक गोल मोटो सा बच्चा आ रहा है किसी प्रीमियर पे या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अम्मा के साथ, तो आई जेन्युइनली फील इट्स माय फैमिली, दिस इज़ माय होम एंड दिस इज़ वेयर आई वांट टू वर्क। मेरे बच्चे और मेरी अम्मा। व्हाट अबाउट योर फादर? ही इज़ मोर ऑफ अ मेंटोर। सुपरस्टार वो होता है जो, इट्स अ डिफरेंट स्पेस। जब मैं सुपरस्टार सुनता हूँ आई विल ऑलवेज बी माय किड्स एंड माई मदर, जो एक ऐसा दर्जा रखते हैं जो मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। माई फादर इज़ मोर लाइक अ मेंटोर, यू नो, समबडी जिनसे मैं एडवाइस सीख करता हूँ काम के बारे में, चीज़ों के बारे में। हमारी एक बड़ी अजीब रिलेशनशिप रही है मेरी ज़िंदगी एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स मोर लाइक अ मेंटोर, अ फ्रेंड। मैंने उनके साथ उतना बहुत गुजारा नहीं, सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई डोंट हैव दैट सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बट इट्स अ वेरी इट्स एन अमेजिंग रिलेशनशिप। बच्चे होने के नाते ना मेरा हक नहीं बनता कि मैं उन पर कॉमेंट करूँ, उनकी चॉइसेस पे। मैं उनको अकेले में जो बोल सकता हूँ या बोलना चाहता हूँ या मेरी जो राय है उनके डिसीजंस के बारे में वो मैं ज़रूर दे सकता हूँ, लेकिन ही इज़ माई फादर, आई विल रिस्पेक्ट हिम फॉर वट एवर ही चूजेज टू डू। आई ऑन दी अदर हैंड आई मेड माई चॉइसेस, आई हैव बीन वेरी क्लियर कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में काम करना चाहता हूँ व्हाइल आई हैव अ चॉइस टू वर्क समवेयर एल्स एज़ वेल। सो कहाँ बुरा लगता है, एक तो बात सिंपल बात है, कुछ मीम्स इतनी अच्छी होती है कि मैं भी खुद हंस रहा होता हूँ उन पर, ठीक है, हम सब हंस रहे होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तानी सेंस ऑफ ह्यूमर को कोई नहीं बीट कर सकता, ठीक है, तो आप उसको तो वो तो क्रेडिट देंगे ना, तो वो तो मैं देता हूँ। बहुत फनी भी लगता है। जो चीज़ अगर मुझे बुरी लगती है वो ये है कि कुछ एज एन आर्टिस्ट आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच एंड आई थिंक द होल वर्ल्ड डज। एज ए म्यूजिशियन उन्होंने जो काम किया है तो दुख ये बस होता है कि लोग जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो किसी का काम भूलना शुरू कर देते हैं, तो एज ए सन मुझे वही चीज़ थोड़ी तंग करती है, बट अदर देन दैट इट्स नॉट माई प्लेस टू से एनीथिंग। आपको अगर कोई भी कहे कि आप इंडस्ट्री की में पलने और बड़े होने से सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये है कि हर स्टेज पे आपको उस फील्ड का बेस्ट बंदा आपके पास मौजूद एक तरीके से होता है आपको गाइड करने के लिए, एंड आई थिंक उससे बड़ी एडवांटेज कोई भी नहीं। लोगों को लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी एडवांटेज है, I don't think that is the case. I think knowing that you're the right person will give you the right advice is that. I don't like sharing too many personal things online. At times, कभी कभार करता हूँ मैं ज़रा सा मूडी थोड़ा सा लेजी भी उन चीज़ों में तो लेकिन अब ज़रूर कोशिश करूँगा कि थोड़ा बेहतर हो जाए मुझे पुश करने की ज़रूरत है आप मुझे पुश कीजिएगा सबसे पहली बात ये जो दोनों फिल्में एक साथ आ रही हैं ये प्लान ऐसी नहीं थी सुपरस्टार का कुछ काम पहले बहुत हुआ हुआ था फिर परे हट लव शुरू हुई फिर से परे हट ही हो रही थी ऐसे नहीं था ना कि मैं यहाँ पे सुपरस्टार का गाना बनाया इधर मैंने परे हट गाना बनाया बिल्कुल भी नहीं अलग अलग फेजेज़ में हुए थे फिर सुपरस्टार दोबारा शूट पे शुरू हुई उसके कुछ गाने बने तो इट वॉज़ लाइक दैट एंड देन कोइंसिडेंस है कि कुछ प्रोड्यूसर्स के डिसीजन थे कि दोनों फिल्में एक साथ आ रही हैं एट द सेम टाइम दोनों डायरेक्टर्स जो हैं दोनों प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं दोनों फिल्में बहुत मुख्तलिफ हैं तो मेरा काम एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर ये था कि उनको सेटिस्फाई करूँ कि उनकी जो स्टोरी है वो उसके हिसाब से म्यूज़िक बने हर कंपोज़र आर्टिस्ट का एक स्टाइल होता है मैं अपने करियर के शुरू में हूँ अभी तो मैं अपना स्टाइल बना रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं की नज़र आता है एंड हर कंपोज़र का मेरी नज़र में एक स्टाइल होता है मैं अपने जो मेरे फेवरेट कंपोज़र्स हैं मैं जब उनकी दो चार चीज़ें अलग अलग जगहों में सुनता हूँ तो मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि वो स्टोरीज़ के साथ इंसाफ कर रहे होते हैं लेकिन एक थ्रेड ज़रूर रहता है और आई एम श्योर मेरे काम में भी है आई थिंक एक्टिंग वॉज समथिंग विच फॉर अ लॉन्ग टाइम मेरे लिए एक चीज़ थी जो मैं करना चाह रहा था ऐसी नहीं कि ऑडिशन नहीं दिया कोई मानेगा नहीं मानेगा लेकिन बिल्कुल दिया है एंड उसके बाद ही this talk came up. Momina Abi is somebody who's believed in me for a very long time, and she's like a godmother to me, and I'll be grateful to her for that. उन्होंने कोई चीज़ देखी जो सच बात ये कि जिस वक्त देखी थी उस वक्त I was not even back in shape and all of that stuff. You know, फिर transformation की बातें बाद में हुई थी. She said she was one of the first people I spoke to about this, and she's like बिल्कुल करना चाहिए. After I auditioned, she's like come audition for me, and I auditioned, and then she's like जाओ अपना तैयार हो जाओ जाके. So she's a great friend of mine, and I was nervous before because she's done Parwaz and she's much more experienced than I am as an actor. But she's so chill. You know, she has made it easy for me. हमारी कुछ अभी acting workshops हुई थी. उसमें she was very she realized that ठीक है music तो किया होगा, लेकिन acting पहली बार कर रहा हूँ. तो I was nervous and she made it very comfortable for me. तो हमारे घर में बकरा ईद उल अज़हा बहुत seriously हम मनाते हैं मैं मनाता हूँ हम लोग मेरे दोस्त हैं दो तीन चार दोस्त हैं हम मंडी भी जाते थे हम जाके जानवर चूज़ करते थे तो इस साल भी इंशाल्लाह करेंगे आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा जो मज़ा है ना वो आपके कल्चर का हिस्सा है पूरा सब कुछ करना एंड वो ना किए बगैर वो मज़ा नहीं आता लगता नहीं कि आप पाकिस्तान में रह रहे जहाँ तक स्टोरीज़ हैं जब मैं कोई 9-10 साल का था तो मुझे वेजिटेरियन होने का एक सूझाना कि मतलब नहीं देखो जानवरों से बुरा हो रहा है और मैं मुझे नहीं समझती कि इसकी एक इस्लामिक कॉनोटेशन क्या है और हम क्यों करते हैं ये तो मैं तो छोटा था मुझे लगा था बुरा हो रहा है तो मैंने फैसला किया रात को ना कि जो पड़ोसी ने गाय ली हुई थी कि मैं जाके वो खोल दूँ ठीक है कि मतलब मेरे सामने तो ये है तो मैं नहीं मतलब मेरे सामने नहीं होने वाला और मैं उस दिन मैं पूरे 1.5 हफ्ते के लिए वेजिटेरियन रहा था ठीक है और मैं गया हूँ रात को मैंने खोल दिए उनकी गायें और जब सुबह उठाऊँ तो पता चला कि जी कोई गाड़ियों में डेंट्स पड़े हुए हैं और चीज़ें पूरी टूटी हुई हैं पूरी सड़क की ना उनको समझ में नहीं आया हुआ कैसे बेचारी गाय वहीं की वहीं रही उसको पता नहीं था मतलब जाना कहाँ है लेकिन काफ़ी गंद मचा था और पूछा गया था किसने किया था ये तो मैं पकड़ा नहीं गया आज पकड़ा जाऊँगा ज़रूर आई थिंक सिंगिंग में बस ये था कि आई वॉन्ट टू सिंग व्हेन आई फील आई एम रेडी आई थिंक दैट्स जिस तरह मैंने आपने भी कहा कि ये तीनों अलग अलग शोबे हैं और तीनों की अलग अलग एक इज़्ज़त है रिस्पेक्ट है तो ऐसी बस कूद के मतलब अगर मैं चाहता तो 2 फिल्मों में कोई भी गाना मैं बोल के खुद गा सकता था लेकिन मुझे सिर्फ ये 2 वजूहत थे एक था आई वांटेड टू फील कि अच्छा मेरी आवाज़ क्या है मैं किस तरह से करना चाह रहा हूँ सेकेंडली आई वॉन्टेड इनिशियली कि मैं अपने गाने गाऊँ अगर मैंने कुछ कराया होता तो यकीन मानने बड़ा आसान होता ये कोई 2 साल की मेहनत नहीं होती कुछ 4-6 महीने की मेहनत होती है और मैं फिर जो भी दिल चाहता खाता पीता वो नहीं थे इट वॉज़ नेचुरली डन इन ऑल कैपेसिटीज़ डाइट जिम ऑल्सो आई थिंक जो एडवांटेज मेरे पास थी वो एज की एडवांटेज थी जो लोग जिससे मेरे वालिद ने जब वेट लूज़ किया था ही उस मच ओल्डर देन मी तो उसकी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं एंड मुझे वो एडवांटेज था कि आप जितने कम उम्र में होते हैं उतना आसान होता है उतनी आपकी बॉडी ज़्यादा अडेप्ट कर लेती है एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो स्ट्रगल करते हैं इस मसले से मैं उनमें से हूँ और मैं आज तक स्ट्रगल करता हूँ इस मसले से मुझे बहुत लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं वैसे मैसेज करते हैं अब मैं कोशिश करता हूँ जितना उनको सपोर्ट कर सकूँ लेकिन मैं ज़रूरी कहूँगा कि ये सारा एक साइकोलॉजिकल मसला है और आप पहले उसको डील कर लें। ये सिर्फ किसी डाइट पे जाने से या किसी जिम ज्वाइन करने से, अपने आप को भूखा मानने से ये हल नहीं होगा। दिस हैज़ टू बी डन व्हेन यू रियलाइज़ कि मैं क्यों इस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, और वो जब आप मसला हल कर लेंगे बाकी सब आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अज़ान समी खान। आप देख रहे हैं मुझे बेहतरीन.pk पे।